गुड मॉर्निंग, देख सकते हो हर्षिता उठ चुके हैं और मेरे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। सो बहुत दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। सो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल दीजा के सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया और इधर देख रहे हैं कितना ज़्यादा जंगल हो चुके हैं, क्योंकि ये पहाड़ के इलाका है तो इसमें सांपों के डर ज़्यादा रहता है। सांप वाप रूम के अंदर घुस जाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज मतलब कट करने के लिए भैया आ गया है, देख रहे हो इधर सारा कट हो गया है। तो बाकी है पीछे भी चारों ओर से मतलब आज क्लीन हो गया मेरा क्वार्टर रूम का, मतलब क्वार्टर का चारों ओर से साफ कर दिया। अच्छा है, बारिश के मौसम में सांपों के डर ज़्यादा बढ़ जाता है। और हर्षिता है बच्चे के साथ और भी डर लगता है। इधर भी जंगल बढ़ गया, रास्ते के चारों ओर जंगल सारा साफ हो गया है। तो वही बाकी है। और मेरा ये वाला मर गया, और ज्योति ने जो तीन दिया था उसमें से सिर्फ एक ही बचा, बाकी सारा मर गया है। और अभी भैया को मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी मतलब कर दो, हर्षिता को सुलाना है। फिर हर्षिता को सुलाई थी, फिर देखी सारा मतलब कट हो गया है, लेकिन पूरा मतलब ख़राब दिख रहा है। इसको झाड़ू लगाना पड़ेगा, आज तो नहीं लगाऊंगी, काम बढ़ गया। बट मैं नहीं लगाऊंगी, अम्मा से लगवाऊंगी, वो भी लगाएंगे। फिर हम लोग जल्दी जल्दी हर्षिता उठा के हम लोग मार्केट चले गए थे। डेली का जो मतलब सामान है महीने का, ग्रोसरी आइटम, दाल आटा चावल नहीं लाया क्योंकि हर्षिता ने गई थी। तो डाइपर हर्षिता का मेरे पीडियाश्योर नहीं लाना, दाल खत्म होने वाला था, नेक्स्ट वीक टाइम नहीं मिलेगा, अगले दो महीने में अगले दो हफ्ते टाइम नहीं मिलेगा। और अभी मैं जल्दी जल्दी लंच मतलब सॉरी डिनर की रेडी कर रही थी, साथ ही साथ मतलब आम कट किया और दोपहर खाने का बर्तन भी नहीं धोया था, सॉरी। रेडी करके चाय नहीं बनाई थी, हम खाया था उस दिन पापा ने, और सब्जी भी मतलब बना लिया मैंने उसी टाइम में, बर्तन धो के सारा काम खत्म करके। फिर हर्षिता को लेके हम लोग नीचे चले गए थे उसको खेलने के लिए। अभी क्या है, कुछ दिनों से नए मेहमान आने के चक्कर में इतना एक्साइटमेंट ही सोचो, नर्वसनेस ही सोचो, ब्लॉग में नहीं बना पा रही हूँ। अभी हर्षिता रेडी हो गया है, नौटंकी सुन, बहुत जल्दी आप लोगों को सारे पता चल जाएगा, एक दो हफ्ते ही सिर्फ। और इतनी मतलब टेंशन और क्या बोलो प्रेशर के चक्कर में ब्लॉग में मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। सो ऐसे ही बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो आज भी मैं ऐसे ही कोई प्लानिंग नहीं था, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि मैं आज ब्लॉग बनाने वाली हूँ। एक हफ्ता हो गया है कल बनाने करके, लेकिन फिर अचानक से मैंने डिसाइड कर लिया और बना लिया। टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और शायद दो हफ्ते और भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, देखते क्या क्या होता है, आप लोगों को पता चल जाएगा अगर ब्लॉग बनाई तो, नहीं बनाई तो इसका रीज़न भी पता चल जाएगा। बहुत ही जल्द धमाकेदार वीडियो, जो सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं धमाका होने वाला है, मैं भी बोल रही हूँ धमाका परम की। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते रहिए और पूरा ब्लॉग देखिएगा। और हर्षिता इधर देखो, इतना ज़्यादा जंगल है बारिश के मौसम में, देखनी रास्ते पे वॉकिंग वगैरह करके थोड़ा सा बैठा आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। और पूरा गाड़ी आ रहा है, बार में दो डिलीट किया है, दो बार ब्लॉग बनाने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं था, बट अचानक ही प्लान कर लिया, चलो
लोग ब्लॉग बनाते हैं। आज क्या हुआ, दोपहर खाना बना खाने के बाद मतलब मोबाइल देखा, कर अनसब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब हुआ था तो अनसब्सक्राइब किया किसी ने। देख के ऐसा लग रहा था हमारे क्या बताऊँ, पूरा मुँह उतर गया था, पूरा संडे का कबारा कर दिया किसी ने, पता नहीं चार क्योंकि चारों सोचो ना पता नहीं प्रॉब्लम क्या थी, शायद मेरा, मैं इतना मतलब हक से नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है लोगों को। स्विमिंग टाइमिंग ख़त्म हो रहा है तो गाड़ी वाड़ी आते जाते रहेंगे, अभी स्टिल जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। अनसब्सक्राइब करने से या सब्सक्राइब मतलब नहीं करने से मेरा कोई मतलब भूखे मरूंगी या फिर कोई मेरी डेली लाइफ में इफेक्ट कुछ नहीं होगा, बट स्टिल थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, कोई सब्सक्राइब वगैरह कर देते नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अनसब्सक्राइब कर देते हो ये कैसा मतलब शायद दुश्मनी या फिर नेगेटिव बातों से अजीब लगता है थोड़ा सा, पता है ना मैं भूखे मरूंगी ना मेरा कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, मेहनत करती हूँ थोड़ा बहुत ही सही, जितना मुझसे होता है मतलब मुझे जितना मतलब यूट्यूब के ब्लॉग देख देख कर मुझे कुछ नहीं आता है, एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं आता है, आप लोगों को पता है वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आते होंगे लोगों का देख देख के मतलब, लेकिन मतलब करने के बाद अगर आप मतलब होप दिखा के अगर आप लोग मतलब उस तरीके से मतलब करते हो करतो तो अच्छा नहीं लगता है, तो वही मूड ऑफ कर दिया पता नहीं किसने पूरा, चलो रहने देती हूँ, मूड ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब जब लोग मुझे मतलब इस तरीके से नीचे पुश करता है ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि अजीब से एक जुनून आ जाता है, अजीब से ताकत आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास मतलब कॉन्टेंट नहीं, कोई बात नहीं, अब कुछ ना कुछ करूँगी, तो यही फिर से मतलब करने का तो मूड नहीं था, लेकिन जिसने अनसब्सक्राइब किया उसी ने मुझे बहुत ज़्यादा ताकत कर दिया था, मतलब थोड़ा सा ताकत दे दिया, चलो एक ब्लॉग बना देते हैं वही, और नया मेहमान आने वाला है तो उसी चक्कर में मतलब सारा टेंशन घर में चल रहा है, तो ब्लॉग वगैरह नहीं हो पा रहा है। अच्छा। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत सारा मतलब कुछ सरप्राइज़ या थोड़ा सा सस्पेंस भी रखती हूँ, बहुत जल्दी पता चलेगा एक या दो हफ्ते में, तो देखते रहिए, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उधर से आने के बाद हर्षिता बैग को लेके खींचने लगा सारा सामान वगैरह, फिर मैंने फिनाइल वगैरह रख दिया था क्योंकि वो सब रूम क्लीनर जो भी लाइजल वगैरह था मैंने ऊपर रख दिया था वरना वो खा लेती, और अभी मंथली सामान मार्केट से जो लाया था इसको अरेंज, हस्बैंड बोल रहा था जल्दी से इसको अरेंज करके रख दो वरना वो हर्षिता सारा ख़राब कर देंगे। व्हाइट वाला तो खराब हो जाता है, इसमें कीड़े लग जाता है, लाल वाला खाना में बाहर से लाल भी, और हर्षिता शुरू हो गया। और ये सब हर्षिता कब, मैं जब सामान अरेंज कर रही थी तो मैं मोबाइल ऑफ करके गई थी, वो ऑन करके ये सब कर रहा था अपने पापा के साथ, एक्सरसाइज दिखा रहा था बदमाश। कपड़ा नहीं पहना ऐसे ब्लॉक में लाके रख दिया है, छोड़ो माफ कर दो क्यूटनेस समझ के, और ब्लॉक यही तक ज्यादा नहीं बना पाए, सारे पानी खाली हो गया था गर्म करके मैं रखूंगी, खाना वगैरह भी खाएंगे सब।
लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।